अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और जो टाइम एक्सटेंशन आपको यहाँ पे मिला है ICSI से उसका बेहद फायदा जो है वो आप यहाँ पे उठा रहे होंगे, राइट? चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं इस टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करूं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी सेवा में प्रवीण चौधरी तत्पर हाजिर रहता है तो ये वीडियो को लाइक जो है जरूर कर दीजिएगा, और अगर लगता है कि नहीं रहता है तो डिसलाइक करेंगे तो भी बुरा नहीं लगेगा, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, चूंकि आगे मैराथॉन्स आपके आने वाली हैं और बहुत सारे अपडेट भी आने वाले हैं तो इस चैनल को एज सून एज पॉसिबल सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन आपको दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपको तुरंत में मिल जाएं और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाए। गॉट द पॉइंट? डन। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। ये है कि काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमने पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी, हमने टाइम जो है वो बहुत ज्यादा दिया था पढ़ाई को, लेकिन उसके बावजूद मार्क्स जो है वो हमको बहुत ही कम आए। से फॉर एग्जाम्पल 24 मार्क्स आए, ज्यादा मार्क्स मैं नहीं लेके आ पाया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कमी अगर रही है तो कहां रह गई? मार्गदर्शन करो प्रभु, कहां रह गई बोले कमी? हमें यही समझ में नहीं आ पा रहा। चलो ठीक है, बोले जो पास्ट में हुआ सो हुआ, लेकिन अब अगर आगे चल के हमें अपनी जिंदगी सुधारनी है, अगर हमें अपनी पढ़ाई सुधारनी है तो ये पता तो होना चाहिए कि आखिर हमने कमी कहां छोड़ी, पढ़ाई कहां हमने ढंग से नहीं करी। गॉट द पॉइंट? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं और अगर ऐसा आपके साथ में भी होता होगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ऐसे बच्चे जो पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार सीएस के एग्जाम्स जो है उनको देने का प्रिपरेशन कर रहे हैं जुलाई एग्जाम्स के अंदर या फिर उसके आगे दिसंबर एग्जाम्स के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो गलतियां कोई और कर चुका है वो आप नहीं करेंगे तो आपके एग्जाम्स जो है वो अच्छे जाएंगे, आप अच्छा प्रिपरेशन वहां पर कर पाओगे। गॉट द पॉइंट? तो इसी चीज के बारे में डिस्कशन जो है वो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। पॉइंट, चलिए। तो भाई सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के मैंने 5 प्रॉब्लम यहां पे लिखे हैं और कमेंट सेक्शन में मैं आपका कमेंट चाहता हूं। आप मुझे बताइएगा कि इनमें से एक प्रॉब्लम आप फेस कर रहे कि नहीं कर रहे, और ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, ये मैं आपको ओपन चैलेंज के साथ में बोलता हूं कि इनमें से एक प्रॉब्लम तो आपका मिलेगा ही मिलेगा। कमेंट करके मुझे बता दो अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। चलिए, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? हैंडराइटिंग प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? हैंड राइटिंग प्रॉब्लम। ये तो मुझे सबसे पहले ये भाई का पेपर देखते ही समझ में आ गया। देखिएगा बहुत ध्यान से, यहां पे हम दो पेपर होंगे जिनको अपन कंपेयर कर रहे हैं। एक ऐसे वाला पेपर जिसमें कि कितने मार्क्स हैं, 24 मार्क्स इन टोटल, ठीक है, और दूसरा एक ऐसा पेपर जिसमें कितने मार्क्स हैं, लास्ट में 4 तो कॉमन है लेकिन सामने में 6 लिखा हुआ है, मतलब 64 मार्क्स। कितने मार्क्स है? 64। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 64 मार्क्स वाले का पेपर का पहला पेज मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज द वेरी फर्स्ट पेज, ठीक है। अंदर जाके डेप्थ वाला एनालिसिस अपन बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले बस आप इसको देख लो, एक बार ये पेज को देख लो आप, थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। अब इसके बाद तुरंत बाद में हम बात करते हैं 24 मार्क्स वाले के पेज की। इस पेज को भी आप एक बार थोड़ा अच्छे से देख लीजिए और मुझे जरा आप खुद बता दीजिए कि कौन से पेपर को देखने में आपको अच्छा लग रहा है और कौन से पेपर को देखने में आपको बुरा लग रहा है। मैं बार बार चेंज कर रहा हूं यहां पर, बार बार मैं आपको ये चेंज करके दिखा रहा हूं। मुझे बताइए कौन से पेपर को देख के आपको अच्छा लग रहा है और कौन से पेपर को देख के आपको बुरा लग रहा है। गॉट द पॉइंट? तो ध्यान से, जिन्होंने 64 मार्क्स यहां पे स्कोर किए हैं उनकी हैंडराइटिंग अगर आप देखोगे क्या क्या खूबियां हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, यहां देखिए इन्होंने अलग से लिखा कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A, चीजें एकदम क्लियर है इनकी, ठीक है। दूसरी बात, टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर रहे हैं, किस चीज के लिए? सेल और परचेज के लिए। गॉट इट? जहां जहां पे हो सके वहां वहां पे इन्होंने क्या किया है, चीजों को अंडरलाइन किया है, पहली बात। दूसरी बात, जो इन्होंने वर्ड्स वहां पे लिखे हैं, हर एक वर्ड
क्लियरली समझ में आ रहा है, कंप्लीट एंड फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह वगैरह, ये देखिए पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ रहा, गॉट द पॉइंट। बीच में हर एक सेंटेंस के बीच में एक ही लाइन छोड़ी हुई है, ना ही एक से ज्यादा और ना ही खिचपिच किया हुआ है, गॉट द पॉइंट। इसके बाद में अगर मैं आगे चलता हूं तो कुल मिला के 8 पॉइंट इन्होंने लिखे हैं यहां पे इस क्वेश्चन के आंसर में, जिसमें कि इनको कुल मिला के कितने मार्क्स मिल गए, 4 मार्क्स जो हैं वो इनको इंस्टीट्यूट ने दे दी। फिर उसके बाद अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो ध्यान से देखिए, दूसरे क्वेश्चन को उन्होंने अगले पेज से शुरू किया और उन्होंने प्रॉपरली यहां पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर के हिसाब से यहां पे लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1B का आंसर जो वो यहां पे हम लिख रहे हैं बोले। फिर जो चीज इन्वर्टेड कॉमास में डालनी चाहिए वो उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में डाली, जिस चीज को अंडरलाइन करना चाहिए वो उन्होंने अंडरलाइन किया, जो चीज अगर बहुत डेप्थ में नहीं भी आ रही होगी तो इन्होंने क्या किया, पॉइंट्स बना के अच्छे तरीके से लिख दिया और कितने मार्क्स मिल गए, 3 मार्क्स मिल गए, गॉट द पॉइंट। इसके जस्ट अपोजिट मैं दूसरे बंदे का पेपर जो है वो देखता हूं यहां पे। सबसे पहला क्वेश्चन, अब ये देखिए इन्होंने साइड में लिखा ये 1 है कि 2 है नहीं समझ में आ रहा, आपको आ रहा तो आप बताइए भाई, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का A है या 2 का A है, ये नहीं समझ में आ रहा क्योंकि काइंड ऑफ खिचड़ी लग रही है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का A है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अब मेरे को ये स्टडी करके आप बताइए कि क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल, अब ये लिखा हुआ है कि काटा हुआ है नहीं पता, ठीक है, आर्टिफिशियल जुरिस्टिक जुरिस्टिक जुरिस्टिक, ये पर्सन की स्पेलिंग कुछ समझ में आ रही है क्या आपको, PERON मतलब S खा गए बीच में, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट की स्पेलिंग देखिए आप 2013, मतलब वेरी फर्स्ट पेज वेरी फर्स्ट लाइन वेरी फर्स्ट सेंटेंस उसी में इंप्रेशन जो है वो क्या हो चुका है, पूरा का पूरा खराब हो चुका है, ठीक है। अच्छा आगे देखो सेंटेंस फ्रेमिंग देखो आप यहां पे, दैट इज वाई इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अरे एक मिनट क्या बोल रहे हो आप, ये That is why it has a separate legal entity and can be distinguished from its members. मतलब इस वजह से आप इसको अलग कर सकते हो, मेंबर से अलग कर सकते हो, मेंबर से डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप इस चीज को, ठीक है। फिर उसके बाद एंड दैट इज वाई द कंपनी गेट्स अ रेसिडेंशियल स्टेट, अरे बापरे चलो ये तो मेरे को समझ में आ गया कि चूंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है इसलिए बोले वो मेंबर से क्या होती है, अलग होती है, समझा। लेकिन बोले उसी वजह से कंपनी को रेसिडेंशियल, अच्छा रेसिडेंशियल भी नहीं बोला, स्पेलिंग देखिए आप क्या लिखा है, रेसिडेंशिप स्टेटस, ये कौन सा शिप होता है भाई, ये किस टाइप का शिप होता है जिसके बाद आप यहां पे कर रहे हो रेसिडेंशिप, देखिए आप प्रॉपरली रेसिडेंशिप स्टेटस, गॉट द पॉइंट। यानी कि अगर आप सबसे पहला पॉइंट यहां पे फोकस करोगे ना तो हैंडराइटिंग की बैंड बजा रखिए, गॉट द पॉइंट। तो अगर आपको मार्क्स अच्छे लेके आने हैं तो मैं ये नहीं कहता कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ध्यान से सुनिए, यहां पे आपका कोई फाउंडेशन का पेपर नहीं है या फिर CSWT का पेपर नहीं है जिसमें कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा और वहां पे टिक करने होंगे, गॉट द पॉइंट। यहां पे आपको लिखना होता है और पेपर जो चेक किया जाता है वो कंप्यूटर से नहीं हो रहा है, वो कौन कर रहा है बेटा, इंसान कर रहा है, पेपर चेक करने वाला कौन है, इंसान, ठीक है। और इंसान जो भी है उसकी शादी हो चुकी होगी, घर में बीवी होगी, और जिसके घर पे भी ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है आगे तो फिर आप समझदार, वो आदमी कभी भी फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, राइट। तो ऐसे केस में वो फ्रस्ट्रेशन आपके पेपर के ऊपर निकल सकता है अगर ये ऐसे वाली राइटिंग आपने वहां पे लिख के आए तो, ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी राइटिंग वहां पे लिख के आए तो वो फ्रस्ट्रेशन जो निकलना कहीं और चाहिए था लेकिन चूंकि वहां पे बस चलता नहीं है उस इंसान का, वो कहां निकालेगा बेटा, वो यहां निकालेगा, ये समझ में आया। लेकिन वहीं पे अगर आपकी राइटिंग कुछ इस तरीके की होती है, चीजों को आपने खुला खुला लिखा है, अच्छे तरीके से आपके वर्ड्स को पढ़ा जा सक रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर चीज को अंडरलाइन करना जरूरी नहीं, बट कम से कम वर्ड्स को ऐसा लिखो जिसको पढ़ा जा सके, अगर ऐसा है तो इन दैट केस आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिल सकते हैं और बहुत अच्छे मिलेंगे भी, गॉट द पॉइंट। कम से कम इतना कर दो कि आपकी जो राइटिंग है ना वो लोगों को समझ में आ जाए, इतना तो भी कर दो कम से कम, गॉट द पॉइंट। तो ये सबसे पहली चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या कि हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे बच्चों में है और उसको अगर आप इंप्रूव करते हैं तो आपके जो मार्क्स रहेंगे उसमें भी क्या रहेगा बेटा, इजाफा जो है वो पक्का रहेगा,
गॉट द पॉइंट। चलिए सेकेंड पॉइंट जो लगभग इसी से जुड़ा हुआ आता है वो है सेंटेंस फ्रेमिंग प्रॉब्लम। गॉट द पॉइंट। अभी जस्ट मैंने आपको यहां पे दिखाया जैसे इन्होंने क्या कहा कि चूंकि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है बिकॉज ऑफ दैट रीजन दैट इज वाई इट ऑल्सो गेट रेसिडेंटशिप स्टेटस। सबसे पहली बात सेंटेंस फ्रेमिंग गलत हो गया, रेसिडेंटशिप क्या होता है। दूसरी बात सर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है इसीलिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस भी मिलता है, क्या ये सही है क्या? आंसर इज नो। इसी को आप और अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते, मतलब कुछ तो भी रेसिडेंशियल स्टेटस का बताना चाहते हैं, इतना समझ में आ गया। लेकिन फ्रेम करने का भी एक तरीका होता ना सर, अगर आप सेंटेंस को अच्छे तरीके से फ्रेम करेंगे तो उसका इंपैक्ट जो है वो अच्छा ही आएगा, नो डाउट इन दैट। एग्जांपल लेके चलते हैं यहां पे कि इन्होंने, इनका दूसरा क्वेश्चन अपन देख लेते हैं यहां पे कि इन्होंने कैसे क्या इसको फ्रेम किया है। ठीक है, क्वेश्चन है प्रॉमिसरी नोट पे, द प्रॉमिसरी नोट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखिए उसको इन्वर्टेड कॉमास में डाला है क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिपेयर्ड इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टूवर्ड्स द मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट। क्या बात है, मतलब मेकर के टूवर्ड्स किया जाता है, मतलब डेट जो है वो मेकर के टूवर्ड्स है, जिसने प्रोमिसरी नोट बनाया होगा वो पूरी की पूरी बात इन्होंने ये इतने छोटे से सेंटेंस में बहुत अच्छे तरीके से समझा दी। फिर उसके बाद बोले एसेंशियल्स क्या क्या होंगे, ये तो यहां पे सिंपली एक एक वर्ड जो वहां पे लिखे हुए कोई दिक्कत नहीं है, बट अगला देख लेते। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1C, फॉर्मुलेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ द लीगल ओपिनियन नीड्स फॉलोइंग प्रिकॉशन मेजर्स। क्या क्या लगेंगे उसके लिए यहां पे बताया हुआ है। सबसे पहली बात, नो वर्ड्स शुड बी इंटरप्रेटेड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एडजस्टेंट वर्ड्स, मतलब उसका जो एडजस्टेंट वर्ड होगा उसके हिसाब से, यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर है उसके आजू बाजू में क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं उसके हिसाब से उसका इंटरप्रेशन जो है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद में वर्ड्स शुड बी कंस्ट्रूड एट देयर फेयर एंड जस्टिफाइड मीनिंग एज पर द कॉमन लॉ। देखिए एक एक वर्ड जो है उसका सेंटेंस फ्रेमिंग बन रहा है, कहां पे इज यूज होना चाहिए, कहां पे वॉज यूज होना चाहिए, कहां पे वर यूज होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो यहां पे नहीं की जा रही। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक यहां पे नहीं करी जाएगी तो उसका इंपैक्ट आपके आंसर के अंदर और बेहतर तरीके से आएगा, जिसमें आपको कम लिखने पे भी अच्छे खासे मार्क्स जो है वो आपको यहां पे मिल जाएंगे। पॉइंट तो सेंटेंस फ्रेमिंग सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है। एक तरफ एक बंदा है जिसने सेंटेंस फ्रेमिंग बिल्कुल भी नहीं करी, उसमें इन्होंने इतना लंबा चौड़ा आंसर लिखा, उसके बाद एक क्रॉस मिला। ध्यान दीजिएगा पहले क्रॉस मिला है, पहले ये बताया गया है कि आपने जो लिखा है वो गलत लिखा है, फिर उसके बाद सोचा कि चलो मार्क्स तो दे देता हूं क्योंकि लास्ट में कहीं तो भी थोड़ा बहुत सही जो है लिखा हुआ है। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ऐसा आपके साथ में भी यहां पे सिंपली हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा दो बातें, सबसे पहली बात हैंड राइटिंग स्टार्टिंग, कम से कम शुरू में तो कोशिश करो कि आप थोड़ा सा उसका फ्लो जो है वो बना के लिखें, ठीक है। और उसके बाद में अगर आखिरी में जाके बहुत स्पीड आपको बढ़ानी पड़ती है और अगर ऐसी राइटिंग आती है तो इट कैन बी एक्सेप्टेड, बट एटलीस्ट स्टार्टिंग में आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करें। गॉट द पॉइंट। दूसरी बात सेंटेंस फ्रेमिंग, जो भी आप लिख रहे हैं उस राइटिंग का कोई मतलब निकलना चाहिए, उस राइटिंग का सही मतलब निकलना चाहिए। अगर आप ये स्टेटमेंट देंगे कि कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस भी होता है, तो ये बात तो सही नहीं है भाई साहब, ये बात तो किसी लॉ में लिखा हुआ नहीं है। गॉट द पॉइंट। तो यहां पे सेंटेंस फ्रेमिंग क्या हो गया आपका, सीधा सीधा गलत हो गया। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। ठीक है साहब, फिर उसके बाद में अगला पॉइंट, ये तो मैं हमेशा कहता हूं और इतनी बार कहता हूं और इतनी बार हर वीडियो के अंदर कह चुका हूं कि प्लीज 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 आपको ये ध्यान देना है कि आपका पेपर जो है ना वो एक मार्क का भी छूटना नीचे। कितने सारे बच्चे जो आके ये कहते हैं कि सर मेरा ना 10 मार्क का पेपर छूट गया, मेरा 15 मार्क का पेपर छूट गया, मेरा 20 मार्क का पेपर छूट गया। गॉट द पॉइंट। उन सारे लोगों से मेरा एक ही कहना है कि अगर आप पहले से ये समझ लेंगे कि आपको एग्जाम का टाइम किस तरीके से मैनेज करना है तो ऐसे केस में आपका पेपर छूट ही नहीं सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर टाइम मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यह कहता हूं कि अगर एग्जाम की बात आप करेंगे तो आपके पास में कुल मिला के 180 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट होते हैं आपके पास में, 180 मिनट होते हैं आपके पास में कुल मिला भी, ठीक है। और वो 180 मिनट के अंदर आपको 100 मार्क्स का पेपर जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। एग्री करते हो इस बात को, ब्रांस है, यानी कि एक मार्क के लिए आपके पास में 1.8 मिनट्स हैं। एक मार्क के लिए आपके पास में 1.8 मिनट्स हैं, काफी है भाई साहब, 1.8 मिनट्स एक मार्क के लिए। तो आप ये सोच के चलिए कि आपके पास में
पांच मार्क के लिए कितने मिनट हैं, छह मार्क के लिए कितने मिनट है, एंड उस कैलकुलेशन के हिसाब से अभी से ही आप क्या करो, उस आंसर को लिखने की कोशिश आप करो। गॉट द पॉइंट? यूजुअली मैं कहता हूं कि 180 मिनट में से सबसे पहले तो एक काम करो कि 30 मिनट निकाल दो। 30 मिनट क्यों निकालना है सर? सबसे पहली बात तो सर हम जाते हैं, बैठते हैं वहां पे हॉल में, फिर ये देखते हैं कि मेरा कौन सा दोस्त या फिर मेरी कौन सी क्रश मेरे ही रूम में बैठी है, जिसको देख के मुझे थोड़ा मोटिवेशन आए कि मैं पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ, राइट? फिर बीच में कभी पानी पीने की बारी आएगी, कभी वॉशरूम जाने की बारी आएगी, या कभी पेंसिल को शार्प करना पड़ेगा, या वट एवर द थिंग मे बी, ठीक है? तो उसमें मान लीजिए कि 30 मिनट्स आपने निकाल दिए, फिर भी अगर आप देखोगे तो आपके पास में कितने टाइम बच गया, आपके पास में 150 मिनट्स बच गए। गॉट द पॉइंट? तो अगर 150 मिनट्स आपके पास बचते हैं तो 1 मार्क पे 1.5 मिनट, और अगर मैं 5 मार्क की बात करूं तो 7.5 मिनट्स आपके पास में है 5 मार्क का आंसर लिखने के लिए। भाई साहब, 5 मार्क के आंसर के लिए 7.5 मिनट आपको लिखना है। गॉट द पॉइंट? सफिशियंट टाइम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप आखिरी का पेपर इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि स्टार्टिंग के आंसर्स में आपको लंबा चौड़ा लिखना होता है। स्टार्टिंग में आंसर्स में जहां पे आपको 7.5 मिनट लगाने थे, आपने 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट लगाए। गॉट द पॉइंट? या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग का पेपर आपको बहुत अच्छे से आता है, राइट? इसका दिखावा आप अपने दोस्तों को भी करना चाहते हैं, अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हैं, अरे मेरे को आता है, बोले चीटिंग करने देखो, ले मैं कराता हूं। गॉट द पॉइंट? तो इसमें आप अपना स्टार्टिंग का टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हो, जिसकी वजह से आपको लास्ट में टाइम नहीं मिल पाता है अपने ही पेपर को सॉल्व करने के लिए, और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम यहां पे फेस करनी पड़ती है। गॉट द पॉइंट? तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आई जस्ट रिक्वेस्ट टू यू पीपल कि आप आज से ही ये डिसाइड कर लो, ये ठान लो कि आपके पास में 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट्स हैं। अकॉर्डिंगली 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क और 7 मार्क, इनके लिए देख लो कि कितने मिनट्स आपके होने चाहिए, और आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आज से ही घड़ी सामने रख के उस आंसर को आप लिखना शुरू कर दो, जिससे कि आपका पूरा का पूरा पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? पूरा का पूरा आंसर शीट तो अपन देख नहीं सकते, लेकिन मैं आपको ओरली यहां पे बता दूं कि यहां पे जिनको 24 मार्क्स मिले हैं, इन्होंने कुल मिला के 90 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया था। कितने का? 90 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया था। और जिनको यहां पे 64 मार्क्स मिले हैं, इन्होंने पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पेपर जो है वो सॉल्व करके आए हैं। गॉट द पॉइंट? तो अब 10 मार्क का जो भी एडिशन उन्होंने सॉल्व किया होगा, 3, 4, 5, 6 कुछ तो मार्क्स मिले होंगे ना उनको। गॉट द पॉइंट? तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से जिसको मार्क्स कम आते हैं उसको कम आते हैं, जिसको मार्क्स अच्छा आ रहे हैं उसको अच्छा है। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन, ठीक है साहब। फिर उसके बाद में अगला 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 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो क्या, ये तो हमारे सीएस का बेस है साहब। अगर ये नहीं है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेशनल प्रोफेशनल एग्जाम्स एंड द ग्रेजुएशन एग्जाम्स? कोई फर्क नहीं, ठीक है? ग्रेजुएशन में यू कैन से दैट कंप्यूटर इज अ मशीन, अ मशीन इज अ कंप्यूटर, दो लाइन वैसे भर सकते हो आप। लेकिन अगर आप बात करोगे प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर, यानी कि सीएस, सीए, सीएमए, इन एग्जाम्स के अंदर, तो इसमें जो मैटर करता है वो क्या है, कंसेप्ट। लेंथ मैटर नहीं करती है, ये मैं बार बार कहता हूं। गॉट द पॉइंट? यहां लेंथ मैटर नहीं करती, यहां कंसेप्ट मैटर करता है। अगर आपने अपने आंसर को थोड़ा कंसाइज भी रखा होगा, लेकिन उसमें अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से रिप्रोड्यूस किया होगा, तो आपको मार्क्स जो है वो पक्का मिलने वाले। अभी देख लीजिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिंपली यहां पे 5 पॉइंट लिखे हैं, 2 मार्क्स यहां पे मिल गए, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1D, इन्होंने देखिए यहां पे एक ये पेज और ये यहां तक इन्होंने लिखा 9 तक, और इनको 4 मार्क्स मिल गए। इनकी राइटिंग मोटी है, मेरे जैसे राइटिंग थोड़ी सी छोटी है, तो उसमें एक ही पेज के अंदर ये इतना कंटेंट आ जाता, ठीक है? तो इनकी राइटिंग के हिसाब से इन्होंने सवा पेज भरा और इनको कितने मार्क्स मिल गए, 5 में से 4 मार्क्स मिल गए। और क्यों मिल गए? क्योंकि इन्होंने जो भी यहां पे लिखा ना, सब कंसेप्ट के हिसाब से लिखा है, उसके अलावा कुछ और नहीं लिखा, ठीक है? सेम ऐसा ही अगर मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में रिसाइटल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया, इसके बारे में उन्होंने आंसर यहां पे लिखा, ये देखिए एक ही पेज इन्होंने भरा है, ओनली 1 पेज। 5 मार्क का क्वेश्चन था, एक ही पेज इन्होंने भरा है, और उस एक पेज के अंदर इनको कितने मार्क्स मिल गए, 3 मार्क्स मिल गए। एक ही पेज भरने पे कितने मार्क्स मिल गए, 3 मार्क्स मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि कंसेप्ट जो लिखना था ना, वो इन्होंने बहुत अच्छे से यहां पे रिप्रोड्यूस किया। लेकिन वहीं पे अगर आप यहां
इनके पेपर में बात करते हैं तो ये देखिए आप, इन्होंने आंसर लिखा यहां से लेके यहां तक, छोटी राइटिंग है उसके हिसाब से इतना लिखना भी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। बट अगर देखोगे तो मार्क्स कितना मिला इनको, 5 में से 1 मार्क। इतना सारा लिखने पे भी 5 में से 1 मार्क, क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे कंसेप्ट कहीं पे भी नहीं। क्या था सवाल? सवाल ये था कि क्या जिस बंदे के पास में GDR है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, क्या उस बंदे को कंपनी का मेंबर कहा जाता है? इन्होंने सबसे पहले ही भैंस को पानी में डाल दिया। क्या? यस यस, ही विल बी कॉल्ड एज ओल्डर, बोले सीधा उसको ओल्डर डिक्लेयर कर दिया, जो कि रॉन्ग है। गॉट द पॉइंट सर? जिस बंदे के पास में कंपनी के शेयर्स होते हैं सिर्फ वही बंदा क्या बन सकता है? कंपनी का सिक्योरिटी होल्डर बन सकता है, मेंबर बन सकता है। गॉट द पॉइंट? और उसमें भी उसका क्या होना चाहिए? या तो नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी में आना चाहिए, और या फिर डिपॉजिटरी के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें एज अ बेनिफिशियल ओनर आना चाहिए। गॉट द पॉइंट? तो अगर आपके पास में GDR है तो क्या आप मेंबर कहलाओगे क्या? प्राइमा फेसी अगर मैं बात करूं तो नहीं साहब, आप नहीं कहलाओगे। कब तक? जब तक के उनको कन्वर्ट करके उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर देते, एंड जब तक के आपका जो नाम है ना वो नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं लिखा जाता, या फिर डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के बेनिफिशियल ओनर में नहीं लिखा जाता। गॉट द पॉइंट? तो ऐसा कुछ आपने यहां पे बताया नहीं, तो इतना जो आपने लिखा वो लिख के भी आपको मिला क्या? सिर्फ 1 मार्क। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ध्यान से क्या कहा मैंने, आपने लेंथ कितना लिखा है डजंट मैटर, ये मैटर ही नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आपने कैसा लिखा है, कंसेप्ट आपने अच्छे से लिखा क्या। अगर आपका जवाब है बिल्कुल सर मैंने कंसेप्ट अच्छे से लिखा है, तो इवन अगर आप इसका आधा भी लिख के आते ना, यहां तक भी अगर आप लिखते तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाता। या फ्रेंकली अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपने सिर्फ इतना लिखा था जो मैं अभी बोल रहा हूं, क्या लिखा होता आपने कि इन केस ऑफ GDR प्राइमा फेसी द GDR होल्डर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी और कैन नॉट बी हेल्ड एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, बट ऑन मेच्योरिटी आफ्टर कन्वर्जन ऑफ GDR इनटू द इक्विटी शेयर्स एंड व्हेन His name will be registered in the register of members of the company or as a beneficial owner in the records of depository, he will be considered as a member of the company and he will get all the rights of the member which are available to any other ordinary member. अगर इतना भी आपने लिख दिया होता ना तो भी आपको 2 मार्क्स मिल गए। Got it? और उसके अगर वो लिखे बिना अगर आप यहां पे राउंड अबाउट करते रहेंगे, घुमा घुमा के बस वही चीज बताया जाता, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में अगला पॉइंट आपका आता है, लास्ट पॉइंट क्या? फोकस प्रॉब्लम। अब ये फोकस प्रॉब्लम को तो मैं आंसर शीट में दिखा नहीं सकता, लेकिन हाँ नॉर्मली मैं ये आपको बता सकता हूं कि, और बताना ये चीज आप कमेंट करके मुझे वापस से बताना कि अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करूं तो काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं, जो कहते हैं कि मैं दिन में 8 घंटा पढ़ाई करूंगा, 10 घंटा पढ़ाई करूंगा, 12 घंटा 15 घंटा पढ़ाई करूंगा, किताब हाथ में लेते भी हैं और पढ़ाई करने बैठते भी हैं, ठीक है, लेकिन बीच में फोन हाथ में ले लेंगे या 10 मिनट बैठेंगे फिर कुछ खाने के लिए चले जाएंगे फ्रिज के पास में, ठीक है, या फिर 10 मिनट बैठेंगे फिर याद आएगा यार अपना ना एक वेब सीरीज बाकी था उसको अपने देखा नहीं, या फिर पढ़ने बैठेंगे लेकिन अपने फ्रेंड की पबजी की रिक्वेस्ट आ जाएगी, या फिर आपकी जो क्रश है या जो आपकी निब्बी है उसकी आपकी लूडो की रिक्वेस्ट आ जाएगी कि चलो हमारे साथ में बैठ के लूडो खेल लो, तो आप उसको टाइम पास करने वहां लग जाएंगे, ठीक है। मतलब यह है कि आप अपने घर वालों को दिखाने के लिए और अपने आप को यह बताने के लिए कि हां मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है, आप अपनी किताब को लेके बैठे जरूर है, आप अपनी किताब को लेके बैठे जरूर हैं, लेकिन फोकस नहीं। आपके पास में सामने किताब है लेकिन उस किताब के ऊपर में या तो मोबाइल आपके पास में है और या तो फिर कोई और ऐसी चीज है जो कि आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। मेरी आपसे बड़े भाई होने के नाते हाथ जोड़ के सिंपल से रिक्वेस्ट है कि तुमको 10 घंटे नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, 1 घंटे पढ़ना है 1 ही घंटे पढ़ लो, लेकिन वो 1 घंटे इस तरीके से पढ़ो कि उस 1 घंटे में आपने जो भी पढ़ा है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर ऐसी पढ़ाई करी तो उसका फायदा है। गॉट द पॉइंट? और अगर आप 10 घंटे किताब हाथ में ले रहे हो विथ डिस्ट्रैक्शन तो मैं कहूंगा भाई साहब प्लीज ये ऐसा मत करो, आप अपना पबजी खेल लो या बाकी जो आपको काम करना है वो कर लो, ये मत दिखाओ कि आप पढ़ाई कर रहे हो। गॉट द पॉइंट? उसको मतलब वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो बिना मतलब में।
बिना मतलब में टाइम, इससे अच्छा तो आप पबजी मन लगा के पबजी खेल लो मेरे भाई, मन लगा के आप जो दूसरा काम कर रहे थे आप वो कर लो, लेकिन जो भी आप कर रहे हो उसमें मन लगाओ। जब तक के आप उस चीज में मन नहीं लगाएंगे ना, आप कोई भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, फिर चाहे वो पढ़ाई की बात कर लो या फिर किसी और चीज की बात कर लो। गॉट इट? बट फिलहाल मैं यहां पे पढ़ाई की बात कर रहा हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको 24 नहीं बल्कि 64 मार्क्स आए, क्या चाहते हैं आप? आपको 24 नहीं बल्कि 64 मार्क्स आए, तो इसके लिए आपको पढ़ाई करना जरूरी है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना जरूरी है, आपको फोकस्ड रह के पढ़ाई करना जरूरी है। अगर आप फोकस रह के पढ़ाई करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। एज सिंपल एज दैट। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। तो ये पांच चीजें जो कि मैं आपसे यहां पे शेयर करना चाहता था, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये आंसर शीट में मतलब कुछ अपन वैसे देख भी नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, चीजों को प्रॉपरली पढ़ भी नहीं पा रहे। इवन ये देखिए आप, सी वाला जो आंसर है, इन्होंने भाई साहब ने क्या किया, यहां तक लिखा, पूरा पेज वापस इन्होंने भरा, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन ये था दैट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मे बी रिमूव्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। दिस वॉज अ क्वेश्चन। आंसर इन्होंने दिया कि नहीं, उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है उसको ही पास करना पड़ेगा, वो भी किया तो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट। सबसे पहली बात तो कंपनीज एक्ट होता है, कंपनी एक्ट नहीं होता, ठीक है। कंपनी एक्ट, इफ देयर नो रिस्ट्रिक्टिव इंट्रेंचमेंट प्रोविजन रिटर्न ऑफ द आर्टिकल ऑफ कंपनी, डायरेक्टर मे बी रिमूव्ड बाय जस्ट पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। फिर उसके बाद में कंडीशन, इफ बोर्ड पास अ बीआर टू रिमूव द डायरेक्टर और इफ द मेंबर जस्ट गिव अ स्पेशल नोटिस टू लीव, सॉरी, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग ऑफ द कंपनी बोर्ड विल। नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है। गॉट द पॉइंट? तो बेटा अगर इस तरीके से आप पेपर को लिखोगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, सवाल ही पता नहीं। इन्होंने एक और यहां पे आंसर लिखा था, किधर गया वो? जीडीआर वाला? नहीं, जीडीआर वाला नहीं। कौन सा था, कौन सा था, कौन सा था? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? इन्होंने एक चीज अच्छी करी कि कई कई जगहों पे सेक्शन इन्होंने लिखे हुए, लेकिन ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थ्री ए, इसमें कुछ तो भी सवाल है जो कि शेयर कैपिटल का होगा, तो इन्होंने आंसर कहां से शुरू किया? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, प्रोविजन, प्रोविजन्स नहीं, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43, 270। पूरा शेयर कैपिटल का चैप्टर ले लिया भाई साहब ने इसके अंदर। बोले एग्जैक्टली सेक्शन नंबर मेरे को नहीं पता है, ठीक है, तो बोले 43 से लेके 70 तक क्या है शेयर कैपिटल का सेक्शन है, ये मेरे को पता है, बोले ठीक है। तो भाई साहब ने पूरा उठा के चिपका दिया वहां पर। ऐसा भी नहीं करना भाई, अगर आपको प्रोविजंस नहीं पता है तो सीधा ये बोल दो ना, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, राइट। ये ऐसा लिख के आप चीख चीख के ये क्यों बता रहे हो कि मेरे को तो सेक्शन बिल्कुल भी नहीं पता है और कुछ भी नहीं पता, राइट। चलिए, 43 to 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट, फिर से वापस से, कंपनी एक्ट एंड कंपनी शेयर कैपिटल एंड द डिबेंचर रूल 2014। गॉट इट? इसको भी और प्रॉपरली बना के वहां पे लिख सकते थे तो उसके हिसाब से मार्क्स इनको शायद यहां पे अच्छे मिल गए होते। देखिए हर जगह पे कट और कट दिया हुआ है, उसके बावजूद 2 मार्क्स यहां पे दे दिए, ये सोच के कि मतलब चलो ठीक है कुछ तो लिखा है यहां पे, ये सोच के 2 मार्क्स यहां पे दे दिए, लेकिन यहां पे जो आंसर लिखा गया वो प्रोफेशनल वे में नहीं लिखा गया, तो इसकी कोई कीमत यहां पे नहीं रहेगी। एज सिंपल एज दैट। गॉट द पॉइंट? तो अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी कैटेगरी में रहना है। अगर आप चाहो तो आप इधर की कैटेगरी में रह सकते हो, अगर आप चाहो तो आप उधर की कैटेगरी में भी रह सकते हो, जैसा आपको सही लगे आप वैसा यहां पे डिसाइड कर सकते हैं। यू कैन बी इन द कैटेगरी ऑफ 24 और इन द कैटेगरी ऑफ 64 एज यू वॉन्ट टू, राइट। लेकिन अगर 64 वाले में आप जाना चाहते हैं या उसके ऊपर भी आप स्कोर करना चाहते हैं तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन पांचों पॉइंट को ध्यान रख के आप ये काम कर सकते हैं, इन पांचों प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आप ये वाला काम अच्छे से कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? दैट्स इट। सिंपली ये वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करना चाहूंगा, बट आप लोगों से कमेंट जरूर चाहूंगा कि बताइएगा कि आज का जो ये वीडियो था ये आपको वैल्यू एडिशन वाला लगा या नहीं, या आपका क्या सोचना है इस वीडियो के बारे में, या कोई और प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में होगा जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे तो वो भी आप जरूर शेयर कीजिएगा, या जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में कमेंट करके शेयर आप जरूर कर दीजिएगा, ताकि
अकॉर्डिंगली और इंप्रूव्ड वीडियो जो है वो आपके लिए मैं बना पाऊं। बट द पॉइंट दैट्स इट, इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।